मुंगेर में 2 साल पहले चोरी की मोबाइल ने 15 दिन पहले हुई डकैती कांड का किया पर्दाफाश। 4 डकैत गिरफ्तार, 2 देसी कट्टा, 4 पीस जिंदा कारतूस, डकैती में इस्तेमाल 4 चक्का वाहन के साथ लूटे हुए सामान भी बरामद। पिस्टल की नोक पर परिवार को बंधक बनाकर घटना को दिया था अंजाम। SP जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। दरअसल मुंगेर जिला अंतर्गत कासिम बाजार थाना क्षेत्र के निर्दोष काली स्थान निवासी रिटायर्ड सुरेश सिंह के घर से आज से 15 दिन पूर्व ठंड में रात्रि का फायदा उठाकर 7 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर सुरेश सिंह सहित परिवार के अन्य महिला तथा बच्चे को बंधक बनाकर लाखों रुपए मूल्य के गहने और नगद कैश की डकैती की घटना को अंजाम दिया था, जिसका आज 15 दिन के बाद पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 4 डकैतों को 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस सहित चाकू, मोबाइल, डकैती की घटना में भागने के लिए यूज किए गए वाहन सहित चोरी के सामान के साथ बैंक पासबुक आदि भी बरामद कर लिया है। वहीं SP जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि DSP सदर के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा टेक्निकल ढंग से अनुसंधान करते हुए पर्दाफाश कर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अपराधी लखीसराय और मुंगेर जिला का रहने वाला है। अन्य 4 की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। साथ ही बता कि डकैती कांड के बाद परिवार वालों ने बताया था कि उसके यहाँ 2 साल पहले एक मोबाइल की चोरी कर ली गई थी। उसके बाद पुलिस के द्वारा उस मोबाइल का जब IMEI नंबर पता कर उसका जांच किया तो वह मोबाइल चालू पाया और उसके बाद पुलिस ने उस मोबाइल लोकेशन के आधार पर सबसे पहले लखीसराय निवासी सर्वजीत को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसके निशानदेही पर अन्य 3 अपराधी सूरज कुमार, मिथुन कुमार और धर्मेंद्र कुमार को भी गिरफ्तार किया। सभी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 2 साल पहले भी प्रीत के घर चोरी की घटना को अंजाम दिया था और इस बार भी उन लोगों ने उस घर को टारगेट कर डकैती की योजना बना घटना को अंजाम दिया, क्योंकि वह घर काफी सुनसान इलाका में था और पहले से रैंकिंग किया हुआ था। साथ ही बता कि लूट का सोना जिस सोनार के यहाँ बेचा गया उसकी भी जानकारी मिल गई है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अन्य 4 अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उसका उद्भेदन हमारा जो SDPO नेतृत्व का टीम ने उद्भेदन कर लिया है और थानाध्यक्ष कासिम बाजार और हमारा DIT सतत प्रयास के चलते टोटल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उसके निशानदाही पे 2 कट्टा, 4 कारतूस बरामद हुआ है और पासबुक, अन्य कागज़ बरामद हुआ है और जो टूटा हुआ ताला था वो भी बरामद हुआ है। अन्य 1 मोबाइल बरामद हुआ जो 2 साल पहले चोरी हुआ था वो भी बरामद हुआ है और कुछ अन्य लोग अभी भी फरार हैं, 3 लोग बाकी है और एक सोनार का नाम आया उसका भी बाकी है कि उन लोगों को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने की। सो इस घटना पर और टेक्निकल और मैनुअल एंट्री दोनों का आधार पर हम लोग काम किए हैं, उसके आधार पर इन लोगों का पता चला। ये लोग कहाँ के रहने वाले? अब रहने वाले 3 लोग इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं लखीसराय के मेदिनी चौक के रहने वाला है, एक ऋषि कुंड मुंगेर में रहने वाला। अभी कितने लोगों का हुआ है? अभी 3 बाकी है और एक सोनार का, 4 टोटल 4 बाकी है। 4 बाकी है। तो इसको उन्होंने जो जब पूछताछ के क्रम में बताया गया था कि मोबाइल हम लोग 2 साल पहले भी चोरी हुआ तो उसका भी हम लोग अनुसंधान किए तो उसके आधार पर हमको क्लेम मिला, उसी के आधार पर डकैती का उद्भेदन हुआ।